हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा सातवीं का रुचिरा में द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है बुरी दुष्ट बुद्धि। विनश्यति नष्ट हो जाता है कि दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। कैसे कि जो अपने अच्छे मित्रों की बात को नहीं मानता है, कि वो हमारा भला चाहते हैं और उनकी बात को हम नहीं मानते हैं, तो हम विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये पाठ बेटा दो हंस और एक कछुए की कहानी पर आधारित है कि तीनों मित्र होते हैं और वो हंस उस कछुए का भला चाहते हैं, लेकिन वो कछुआ उन अपने मित्रों की बात नहीं मानता और अंत में क्या है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम द्वितीय पाठ है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह, कि अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नामक सर है, सरोवर की, फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवस्त, कि तत्र वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवसत रहते थे। कम्बुग्रीव नामक है तयो मित्रम एक है कूर्म है अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, कि कम्बुग्रीव नाम का तयो उन दोनों का मित्र एक कूर्म होता है कछुआ भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। कि उस तालाब पर दो हंस रहते थे और एक कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र भी क्या है, उसी तालाब पर निवास करता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, कि अथ इसके बाद एकदा एक बार धीवरा मछुआरे तत्र वहाँ आगच्छन आ गए, कि मछुआरे उस तालाब पर आ गए। ते अकथयन उन्होंने कहा कि वयम श्व मत्स्य कूर्मादिन मारिष्याम है, कि वयम हम सब श्व कल आने वाला कल मत्स्य मछली और कूर्म कछुए आदि को मारिष्याम है मारेंगे, कि हम सब कल कछुए और इन मछलियों को क्या है हम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत, कि एतत् यह श्रुत्वा सुनकर कूर्म कछुआ अवदत बोला मित्रे, कि हे मित्रो किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि भी क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने धीवराणाम उन मछुआरों की वार्ता बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, कि अधुना अब किम क्या अहम करोमि, कि अब मैं क्या करूँ। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कि प्रातः सुबह यद जो उचितम उचित होगा तत् कर्तव्यम वही करेंगे, भी सुबह देखेंगे कि जो होगा हम वही करेंगे फिर जो ठीक लगेगा वही। कूर्म अवदत कछुए ने कहा मैं एवं, कि ऐसा नहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। तद यथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि, तो जैसे अहम मैं अन्य दूसरे हृदय होता है तालाब पर गच्छामि जाता हूँ, तथा कुरु तुम वैसा करो, कि भाई मैं दूसरे तालाब पर जाना चाहता हूँ और तुम वैसा ही करो। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा आवाम किम करवावे, कि हम दोनों क्या करें। जब वो दूसरे तालाब पर जाने की बात करता है तो हंस उसे क्या कहते हैं कि भाई हम दोनों क्या करें। कूर्मा अवदत कछुए ने कहा अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ, कि भी मैं तुम दोनों की सहायता से तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा अत्र कह उपाय, भी यहाँ क्या उपाय है। कच्छपे वदती कछुआ बोला युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम, कि तुम दोनों काष्ठ लकड़ी के डंडे को एकम एक चंचवा चोंच में धारयताम धारण करना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कि भी अहम मैं काष्ठ लकड़ी के डंडे को मध्य बीच में से अवलंबे पकड़कर या सहारा लेकर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊँगा। भी उसका कहने का मतलब क्या है बेटा, कि वो उन हंसों को क्या कह रहा है कि तुम एक डंडे को दोनों अपनी अपनी चोंच में पकड़ना और मैं उस डंडे को बीच में से पकड़ लूँगा और तुम अपने पंखों के बल से मुझे सुखपूर्वक दूसरी जगह ले जाओगे। हंसौ अकथ्यता हंसों ने कहा
संभवती एष उपाय, भाई यह उपाय संभव है। कहने का मतलब क्या है कि भी क्या ऐसा हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपाय का मतलब होता है हानि, अपि वर्तते कि एक हानि भी है इसमें। आवाभ्याम नियमानम त्वाव अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाते हुए त्वाम तुमको अवलोक्य देख कर जना लोग किंचित कुछ तो बोलेंगे ही, कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे तदा तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चितम निश्चित है। भी तुम लोग तुम्हें देखकर कुछ कहेंगे और तुम उन लोगों के जवाब दोगे तो उस डंडे से छूट कर क्या है नीचे गिर जाओगे और नीचे गिर कर क्या है मर जाओगे। तो वो उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा मरना तो निश्चित है, या तो यहाँ रह कर मरो या फिर हमारे साथ चलकर। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः इसलिए त्वम तुम अत्रैव यहीं बस रहो। तो वो उस हंस कछुए को क्या सलाह दे रहे हैं कि भी तुम यहीं रहो, तुम्हारा मरना तो निश्चित है। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत, उसको सुनकर या वह सुनकर क्रुद्ध क्रोधित कूर्म कछुए ने कहा किम अहम मूर्ख है, भी क्या अहम मैं मूर्ख हूँ, भी क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, भाई लोग मेरे बारे में कुछ कहेंगे तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा, किंचित कुछ अपि भी नहीं वदिष्यामि कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः इसलिए अहम मैं यथा वदामि, जैसा कहता हूँ तथा वैसा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। भी मैं तुम्हें जैसा आदेश दे रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ, तुम दोनों वैसा ही करो। एवं कांस्ट दंडे लंबमानम कूर्म पौराह अपश्यन, कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लंबमानम लटकते हुए कूर्म कछुए को पौराह क्या होता है ग्वाले अपश्यन, ग्वालों ने देखा। भी कछुआ जब लकड़ी के सहारे लटक कर जा रहा था तो ग्वालों ने उसे देखा। देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कछुआ बीच में लटका हुआ है और वो दोनों हंस उस डंडे को पकड़े हुए हैं। पश्चात अधावन अवदन च, उसके बाद वो दौड़े और उसको बोले, कछुए के पीछे दौड़ने लगे और बोले अहो अरे महद आश्चर्यम, कि महद बड़े आश्चर्यम हैरानी की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कूर्मो कछुआ भी उड्डीयते, उड़ रहा है। वो सबको दिखा रहे हैं कि देखो कितना आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कुछ कहते हैं कि यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति, यदि यह कछुआ कथमपि किसी भी प्रकार से निपतति गिरता है तदा तब अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, अत्रैव यहीं पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। यानी कुछ ग्वाले क्या कह रहे हैं कि ये किसी प्रकार से अगर नीचे गिर जाता है तो मैं यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरह अवदत, दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि नदी के किनारे पर दग्ध्वा जलाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, और दूसरों ने कहा गृहम नीत्वा बक्षिष्यामि, गृहम घर नीत्वा ले जाकर बक्षिष्यामि खाऊंगा, भी मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जाते, कि उनके उन वचनों को सुनकर क्रुद्ध कछुआ जो है ना क्रोधित होकर बोला। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत, भी वो बहुत गुस्से में हो गया और मित्रों को दिया हुआ, दत्तम का मतलब दिया हुआ वचन विस्मृत भूलकर सह अवदत उसने कहा, भी अपने मित्रों को जो उसने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं कहूँगा उसे भूल गया और वह बोला यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म का मतलब राख खादत खा लो, कि तुम सब क्या है राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतितः, कि तत् उसी क्षण कूर्म कछुआ डंडे से भूमि पर पतित गिर गया। पौरे सह मारित, और ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, अतः इसलिए एव उक्तम कहा गया है, क्या कहा गया देखिए। सुहृदाम, सुहृदाम होता अच्छे हृदय वाले, हित कामा नाम की जो हमारी भलाई चाहते हैं, वाक्यम वाक्य को यो जो अभिनंदति, भाई प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, भाई हमारा भला चाहने वालों के वाक्यों को जो अभिनंदति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता। सह कूर्म इव, वह कछुए की भांति दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला काष्ठाद लकड़ी से गिर कर भ्रष्ट विनश्यति हो जा नष्ट हो जाता,
कि भी जो मित्र हमारा भला चाहते हैं अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो इस कछुए की भांति क्या है, लकड़ी से गिरकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें जो मित्र हमारा भला चाहते हैं हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए और जो सही हो वही हमें करना चाहिए। धन्यवाद।